चाय पत्ती इसमें डालते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। देख ऐसा झरना है, इतने दुबले पतले लोग इसमें लेट सकते हैं कि हम लोग इसमें नहीं लेट सकते। हेलो फ्रेंड्स, तो काफी ज्यादा मतलब थके हुए थे और रेस्ट कर चुके, रेस्ट करने के बाद अब आराम फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, उसके बाद अब पीने का मन है चाय, तो चल रहे हैं किसी के पास, देखेंगे भाई के पास में कोई देखें बनाए भाई साहब, तो उसके बाद पीते हैं चाय हम लोग। तो भाई साहब यहाँ पे बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुके, तैयार हो चुके भाई साहब, बनाओ यार चाय पिया जाए थोड़ा। तो देख सकते हैं सारा मटेरियल जो था भाई ले आए हैं, उसके बाद यहाँ पे चाय बनाने की एकदम पूरी तैयारी में लग चुके हैं। चाय यहाँ पे एकदम पकने के लिए तैयार हो चुकी है और भाई साहब यहाँ शुगर, भाई ज्यादा शुगर मत डालिएगा, चाय एकदम पूरी तरह से यहाँ पे पक रही है, ज्यादा शुगर मत करिएगा, मीडियम करिएगा बस। भाई साहब एकदम बनाने के लिए तैयार हो चुके, तो यहाँ से एकदम कंप्लीट होने को है और भाई साहब यहाँ पे दूध डाले ही नहीं, तो दूध लेने के लिए गए हैं और दूध लेकर आए, फिर उसके बाद चाय पूरी तरह से पक चुकी है लेकिन दूध डालने ज्यादा सही क्या हुआ है नहीं क्या, तो यहाँ पे तो दूध है ही नहीं। चलो कोई ना भाई, ऐसे ही बनाओ पूरी तरह से, देखते हैं कैसे बनती है। हमारी चाय यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और देख रहे हैं आपको लग रहा है पानी जैसा, लेकिन यहाँ चाय पत्ती भी डाले ही नहीं, तो चाय पत्ती इसमें डालते हैं और इसका कलर चेंज कर देते, देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है पूरी तरीके से और हमारी चाय जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मेरी चाय एकदम कंप्लीट हो चुकी है भाई, थकान दूर करने के लिए चाय तो चाहिए, और हमारी जो चाय है वो बनकर कंप्लीट हो गई है और हम चाय पीते हैं थोड़ा, उसके बाद थकान दूर करते हैं। चाय तो ऐसे बहुत ही लजीज बनी हुई, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो प्रेम भाई सो रहे हैं, देख सकते हैं आप एकदम पूरी तरह से, उन्हें नींद आ चुकी है, तो कोई ना आराम, हम भी अभी आराम कर रहे थे, उसके बाद आराम करने के बाद उठे, उठने के बाद चाय पिए, उसके बाद चाय पीने के बाद अब हम भी चलेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा घूमेंगे, ये रिसॉर्ट पूरी तरह से कैसे घूमेंगे, कम से कम ये 500 मीटर में बना हुआ है, तो 500 मीटर पूरा घूमेंगे भाई, देखेंगे क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। अरे चाय पी रहे हैं, चले सबको दिखा दे भाई साहब, कहाँ सुमित भाई, तो सुमित भाई को भाई बता दे भाई चाय पी रहे कि नहीं, क्या हुआ, अच्छा खाली भी खाली, अभी भाई तो पहले बना लिए, देख रहे भाई ये तो पहले ही बना के पी रहे हैं, अरे भाई, और भाई से बोले थे भाई शुगर मत कर, शुगर कम करिएगा ना, अभी इतना कम कर दिया भाई, एकदम चाय लगी नहीं गला भाई, फिर उसके बाद मीठा किया थोड़ा सा। झरना देखे थे, सोचे उसे स्विमिंग पूल तो नहीं बनाया, स्विमिंग पूल है नहीं, स्विमिंग पूल था लेकिन वो सूख चुका है, स्विमिंग पूल सूख चुका है। यहाँ पे भाई लोग एकदम तैयार हो चुके नहाने के लिए, लेकिन ये था कि एक झरना है यहाँ पे, तो चलेंगे अभी उस झरने में नहाएंगे और एकदम पूरी तरह से देखते, अगर यहाँ से दिखता है तो यहाँ से दिखाने की कोशिश हम करेंगे आपको, यहाँ से क्लियर आपको शायद दिखे ना, वहीं पे एक झरना है, हम लोग देख चुके हैं और बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है, अभी पास में चल के आपको दिखाते हैं और वहीं पे हम लोग नहाते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं झरने की साइड में, स्विमिंग पूल तो सूख चुका है, स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है भाई, स्विमिंग पूल का शब्द जो होता है ना पानी से भरा होने से स्विमिंग पूल का मतलब ही होता है, लेकिन स्विमिंग पूल सूखा पड़ गया, स्विमिंग पूल में कुछ ऐसा हो रखा है, कुछ अलग ही मस्ती हो रही है भाइयों के साथ में। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो भाई दरवाजे से बाहर निकलते, दरवाजे से फिर उसके बाद बाहर जो हम लोग झरना देख रहे थे वो पता नहीं कहाँ पे, और उसके बाद निकलते हैं और देखते हैं कहाँ पे है, अगर दिखता है तो भाई, अगर अच्छे से दिखता है नहाने लायक तो नहाएंगे वहीं पे, क्योंकि स्विमिंग पूल में नहाने की प्लान था लेकिन वो तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, पास में चलकर देखते हैं कहाँ पे। तो भाई साहब से बात कर चुके हैं और ये कह रहे हैं भाई यहाँ झरना लगा हुआ है तगड़े में, और पास जाते हैं, आवाज तो बहुत दूरी तक सुनाई दे रही है, और पास जाते हैं, पास से देखते हैं इसका व्यू क्या हुआ, पास जाते हैं, पास जाके इसका व्यू देखते हैं, और ये तो पहले से एकदम रेडी हो चुके हैं, देख रहे हैं एकदम नंगे हो चुके हैं भैया, अब ये किस तरीके से, ये कौन सा स्विमिंग पूल है भैया, ये नाले में लेकर आए। तो फाइनली हम लोग झरने पे आ चुके हैं और ये ऐसा झरना है, इतने दुबले पतले लोग इसमें लेट सकते हैं कि हम लोग इसमें नहीं लेट सकते, हम लोग दुबले पतले ज्यादा है नहीं तो लेट नहीं सकते इसमें, और बहुत बुरे वाला झरना है यार, अब नहाएंगे कहीं, आए हैं इतना पैसा दिए हैं, एक रूम का 5000 रुपए है, और ये है कि इतने टाइम आए हैं तो कल इतने टाइम के लिए 5000 रुपए एक रूम का लग रहा है, उसके बाद खाना रहना जो भाई मीन खाने का अलग चार्ज करेंगे, ऐसे ही कुछ हो रखा है। तो यहाँ पे जो झरना वरना था देख लिए हम भाई, नाले टाइप में है ये, तो कोई ना उसका व्यू आप कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे सारा देख सकते हैं आप, चेयर लगा हुआ है, आप यहाँ पे आराम से बैठ के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद इधर भी आप देख सकते हैं, और स्पेशली हम लोग जिस काम से आए थे वो तो यहाँ पे हुआ ही नहीं,
हाँ यार, जितना काम है मेरा सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेट चल ही नहीं रहा है। मेरे पास दो सिम है, जियो है और वोडा है, चल ही नहीं रहा एकदम से। तो आए थे रिसेप्शन पे, यहाँ से यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड लिए, तो वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो चलता है वो जियो का सिम चलता है और वोडा का चलता है। तो पहले से मेरे पास अवेलेबल है, वैसे पासवर्ड ले लिए हैं, चलते हैं। और पेंडिंग सारा काम पड़ा हुआ, बहुत बेकार फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। अब चलते हैं, देखते हैं, अगर कनेक्ट करता है, चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल निकलेंगे किसी और शहर में। तो फाइनली हम आ गए अपने रूम में, और रूम में आ गए, चल रहे थोड़ा पानी गर्म करते हैं और पीते हैं पानी, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ठंडा हो रखा है, तो इसी वजह से थोड़ा पानी गर्म करें ज़्यादा सही है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमारा पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और ये है कि यहाँ पे सब लोग एकदम पड़े हुए हैं सोने के लिए, देख सकते हैं, जैसे कि प्रेम भैया यहाँ पे हैं और यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे पानी मेरा गर्म हो रहा है। और वैसे पानी तो गर्म हो गया, अब पानी गर्म हो चुका है, बस पानी पियोगे? गर्म पानी पियोगे? तो किस चीज में निकालने है? ये इसी में है, गर्म है, ठीक है। तो यार वैसे ठंडा मौसम है ना, तो जैसे कि ये है, अगर ठंडा पानी पियेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसी वजह से पानी गुनगुना कर लिए हैं, गर्म कर लिए हैं, तो पी रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।